नमस्कार साथियों, इस सप्ताह को हम वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। मानव की पूर्णता प्रकृति पर निर्भर है। भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहाँ प्रकृति के ऊपर ही लोग आश्रित थे। कंदमूल फल का भोजन, झरनों का विशुद्ध जल, पेड़ अथवा पहाड़ों की कंदराओं में आश्रय और योग तथा तपस्या में मग्न लोग प्रकृति में थे। पेड़ों की पूजा, जल का सूर्य के समक्ष अर्ध, जीवों की सुरक्षा और धार्मिक स्थल के रूप में पवित्रता का वातावरण, ये शुरू से यह निरंतर चलता आ रहा है। फिर मानव ने प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए अनेक कदम उठाए और विज्ञान के दुर्जय रथ पर सवार होकर अंतरिक्ष तक पहुंच गया। यहीं से आरंभ हुआ मानव प्रगति के समतोल के बिगड़ने का सिलसिला। सुख सुविधाओं की अंतहीन तृष्णा से ग्रसित मानव ने प्रकृति का दोहरण प्रारंभ किया और जो प्रकृति उसकी रक्षक थी, उसका वो भक्षक बन गया। वनस्पति और पेड़ पौधों के महत्व को वेदों में बहुत मान्यता दी गई है। किसी न किसी प्रकार से हर वृक्ष को किसी देवी देवता या मान्यता से जोड़कर उसकी रक्षा करने का उपाय कालांतर से चला आ रहा है। वैज्ञानिक एवं आरोग्य दृष्टि से जो महत्व आज वृक्षों और वनस्पतियों का बताया गया है और जिस वस्तुनिष्ठ आधार पर उनकी रक्षा करने पर जो बल दिया जा रहा है, वह पूर्व काल में अप्रत्यक्ष रूप से प्रचलन में था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा है, फूलों और फलों से समृद्ध वृक्ष मानव को इस लोक में तृप्त करते हैं। जो मनुष्य वृक्ष का दान करता है, उसे ये वृक्ष पुत्र के समान परलोक में तार देते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में तो यह तक कहा गया है कि जब तक पृथ्वी वृक्षों पहाड़ों से युक्त जंगलों से समृद्ध रहेगी, तब तक ये मानव की संतानों का पालन पोषण करती रहेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत 25 करोड़ वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य रखा है, वे अत्यंत प्रशंसनीय है। मेरी भी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस संकल्प को पूरा करने में अगर हम सभी मिलकर दो दो वृक्ष भी लगाएंगे तो यह न केवल हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा, अपितु हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुंदर, सुखद, सुरम में सभी की सर्वस्व भूत, दृढ़ और स्थित, सबको आश्रय देने वाली, कल्याण करने वाली, सुख देने वाली हरी भरी पृथ्वी की गोद प्रदान करेगा। इसलिए वृक्ष कटान न करके वृक्षों का आरोपण संवर्धन अधिक से अधिक मात्रा में हमें करना चाहिए, जिससे पर्यावरण अनुकूल बना रहे। अतः वृक्षों को लगाना है, पृथ्वी को हरा भरा बनाना है, पर्यावरण को बचाना है, इस संकल्प को हमें निभाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।